जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। 23 नवंबर को आज झंडा दिवस है। झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? वर्दी वेश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वर्दी वेश में आपके हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस की क्लासेस चल रही हैं। तो आज क्या डेली से एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए स्पेशल है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम पढ़ेंगे हिंदी का कौन सा टॉपिक है, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, क्लास कौन सी है? क्लास आपकी 18 है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से पढ़ना है हमें। तो आप देख लीजिए, आकाश नीला है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। ठीक है, जब हमें ये सब कुछ पता होता है तो हम आसानी से कर पाते हैं। तो देखो, आकाश नीला है। अब मैं ऐसे कहूँ आकाश नीली है, क्या अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा। तो हम ये तो पहचान गए ना कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमें कैसे पहचानना है। आकाश नीला है तो ये क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, ऐसे ही पतंग नीली है, ये स्त्रीलिंग हो गई क्योंकि पतंग नीला है, अच्छा लग रहा है कोई? नहीं, तो ये क्या हो गई आपकी? स्त्री लिंग। ऐसे ही अब देखो, वह जाता है, वह वाली कंडीशन ऐसी होती है, इसमें वह जाती है, वह जाता है। इसमें अगर हमें पता ना हो कि प्रॉपर किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये कंडीशन दोनों ही सही हो जाती है। ठीक है, ये पुल्लिंग हो गया, वह जाता है और वह जाती है, ये आपकी स्त्रीलिंग में चला गया। ठीक है, ये आपको समझ आया? ऐसे ही अब आपको यहाँ से शुद्ध अशुद्ध का पता लगाना है, इसमें और इसमें। ठीक है, इतना तो हम सीख चुके हैं। जब हम इतना सीख गए तो बस उसके पास नीला पेंसिल है, नीला पेंसिल, उसके पास नीला पेंसिल है, अच्छा लग रहा है? नहीं, उसके पास नीली पेंसिल है। ठीक है, मतलब नीला की जगह क्या होगा? नीली। नीली सही है और नीला गलत है। उसके पास नीली पेंसिल है, समझ गए ना? ऐसे ही बेटी पराए घर का धन होता है। अब बेटी तो भाई खुद ही स्त्रीलिंग है, तो बेटी पराए घर का धन होती है। होती सही है, होता गलत है। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ रही हो। ठीक है, चलिए आप देखिए इसमें कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको बता देती हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, तो आप कहोगे कि भाई ये तो सही है, मैं कहूँगी ये गलत है। आप कहोगे क्यों गलत है, मैं कहूँगी, मैं बता रही हूँ। जंगल में मोर अथवा मोरनी, देखो मोर अथवा मोरनी जो हमारा ये करता है, करता हो या कर्म हो, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो पड़ेगा की जगह आएगा पड़ेगी, समझ गए ना? चाहे यहाँ दो करता हो, तीन हो, लेकिन मत जो डिफेक्ट पड़ेगा, मतलब इफेक्ट पड़ेगा, वो किस पे जाके पड़ेगा? वो पड़ेगा हमारे लास्ट वाले पर। ठीक है, शायद ही ऐसी कोई पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो, तो ये गलत है। शायद ही ऐसी कोई पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ा हो, ऐसा होता है ना, मैंने ना पढ़ा हो, तो पढ़ी गलत है, पढ़ा हो। ठीक है, समझ गए ना? यही तो समझाना चाह रहे हैं। बुढ़ापे उसके लिए रोग बन गया। बुढ़ापे नहीं होता, बुढ़ापा होता है। ठीक है, क्या होता है? बुढ़ापा। मैं पेन के साथ लिखता हूँ, मैं पेन के साथ लिखता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं पेन से लिखता हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ से लिख रहे हैं तो उसे के साथ नहीं लगाओगे। ठीक है, मैं पेन से लिखता हूँ या मैं वाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखती हूँ, के साथ का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, राम ने राक्षसों को मारा, राम ने राक्षसों को मारा, तो ये टेंस एकदम सही है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हर चीज़ को पढ़कर आपको एकदम अच्छा सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, परसर्ग बोले तो कारक मैंने आपको करा चुकी हूँ, आपको पता है ना कि मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो जैसा कि पुलिस डंडे मैं मारती है, अब इसमें जो मैं है वो क्या है? कारक ही तो है। ठीक है, तो पुलिस डंडे से मारती है, से सही है, मैं गलत है। कारक की वीडियो ना देखी हो तो देख लेना अच्छे से। ठीक है, श्याम मक्खन को रो रहा है,
श्याम मक्खन के लिए रो रहा है, ठीक है, तो को गलत है, के लिए, तभी तो मैंने आपको कारक पढ़ाया है अच्छे से। शिष्य गुरु से आदर करता है, शिष्य गुरु से आदर करता है। अब हम बोलते हैं हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो माता पिता का जो आ रहा है ना वो आपका क्या है, संबंध वाला मैंने आपको बताया ना, माता पिता का सम्मान, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब कुछ मैंने आपको कराया, एक बार कारक की वीडियो देखना, ठीक है। तो शिष्य गुरु का से गलत है, शिष्य गुरु का आदर करता है, वह छत में बैठा है, छत में घुस के बैठा है क्या वो, नहीं ना, छत के ऊपर बैठा है, ठीक है, वह छत पर बैठा है, या तो छत के ऊपर बैठेगा या छत पर बैठेगा, ठीक है। मैं एकदम गलत है पर सही है, बैंक के रुपए लाओ, अब भाई बैंक के थोड़ी ना सारे रुपए ले आओगे, तो ये के गलत है, बैंक से लाते हैं ना पैसे, कि बैंक के लेके आते हैं, समझ गए ना, जितनी प्रैक्टिस उतने नंबर बनेंगे आपके, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको वर्तनी कराई हुई है, कारक कराए हुए हैं, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता। सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है, भाई ये जो पर है ये कारक है, क्या है कारक, कौन सा कारक, अधिकरण में पर कराया है ना, तो ये पर तो कंडीशन इसमें गलत हो गई, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है, मैं वाला एकदम करेक्ट हो गया। देखो तेरे को आज पढ़ने जाना है, तेरे को, मेरे को, ये सब कुछ नहीं लगाते, ठीक है, आज पढ़ने जाना है मतलब तेरे को नहीं, तुझे, तुझे लगाते हैं, मुझे लगाते हैं, तुझे आज पढ़ने जाना है, तेरे को गलत हो गया, ठीक है। तुलसी की कविता के अंदर भक्ति है, इसमें हम बोलेंगे तुलसी की कविता में भक्ति है, के अंदर गलत हो गया, तुलसी की कविता में भक्ति है, समझ आया। ऐसे ही आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, अब देखो वर्तनी में मैंने आपको सौजन्यता कराया था, लेकिन वर्तनी में आपने देखा होगा ये था सौजन्य, ठीक है, आपका, और ये आपकी सौजन्य बनी रहेगी, नहीं, आपका सौजन्य बना रहेगा, बना, आपका सौजन्य बना रहेगा, समझ आया। देखो पूजनीय, ये मैंने आपको वर्तनी में कराया था, तो इसका है पूजनीय, पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं, क्या आपको ये समझ आया, पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको वर्तनी में कराया था पूजनीय, ये तो आपका अशुद्ध है, ठीक है, कल की क्लास देख लेना, क्लास 17, और जो हमारा पूजनीय है, पूजनीय, वो हमारा शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पूजनीय पिताजी आगरा गए, तो इसमें करेंगे पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, पूजनीय गलत है, पूज्य पिताजी आगरा गए हैं, ये एकदम करेक्ट है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।